एक और सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर एवं मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार रोकी मित्तल पहुंचे गुलाचीका। नगर पालिका चीका द्वारा की गई सफाई व्यवस्था में मिली कई खामियां और सीवरेज व्यवस्था ठप देख मौके पर उच्च अधिकारियों को फोन के माध्यम से दी जानकारी। इसके साथ ही रोकी मित्तल ने चीका के मेन चौक शहीद उधम सिंह सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें नगर पालिका चीका में बनाई गई सड़क के किनारे पार्कों का भी निरीक्षण किया। चलिए देखते हैं सीएम मीडिया सलाहकार रोकी मित्तल व चेयरमैन प्रतिनिधि राजेश ने सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहा। ज्यादा लंबी चौड़ी समस्याएं गुलाचीका में नहीं है, एक दो छोटी मोटी समस्या थी वो एक हफ्ते तक खत्म हो जाएगी। सफाई व्यवस्था पहले ऑलरेडी ठीक है, थोड़ी बहुत कमी है वो ठीक कर देंगे। बाकी हरियाणा में मैं बहुत जिलों में गया हूँ, बाकी जिलों से बढ़िया है। और मैं तो हैरान हूँ यहाँ गुलाचीका का, जब चेयरमैन साहब ने बताया कि बजट ऑलरेडी 12 करोड़ एक्स्ट्रा है, यानी कि कैथल जैसे शहर में जहाँ बजट की कमी है, यहाँ पर बजट की कोई कमी नहीं है। सड़कों के निर्माण के लिए भी, बाकी सफाई के लिए भी, जो सफाई कर्मचारी से उन्होंने खुद बोला कि हमें हमारे को पेमेंट टाइम पे मिलती है। बाकी जगह जैसे कई बार धरने प्रदर्शन भी होते हैं कि हमारे को पे नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली। एक सीवरेज की समस्या आई है जिस कारण लगातार बीमारियाँ फैल रही हैं, वाटर कूलर नहीं है, तो उस समस्या के बारे में मेरी ऐसे हिसाब से भी बात हुई देवीदाल जी से, उसने बोला है कि एक हफ्ते तक हम काम शुरू कर देंगे और आज और कल छुट्टी है और सोमवार के बाद काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और इस बात की गारंटी है कि जो मानो सीवरेज है या पाइपलाइन जो भी है वो सारे ठीक करवा देंगे, वो भी बहुत जल्दी। और आगे तो मेरे ख्याल से कुछ सीवरेज प्रणाली तो कमेटी के अंडर भी डाल दी यहाँ पे, यहाँ नहीं डली कैथल में, तो यहाँ तो सफाई की है कैथल के अंदर, तो सीवरेज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वह सीवरेज प्रणाली आप तो आधी तो कम से कम कमेटी के अंडर डाल दी। जिले में मैं चाहूँगा सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पे जैसे तहसील लेवल के पर भी इस चीज़ को किया जाए ताकि समस्या का समाधान जल्दी हो सके, ठीक है, ठीक हो जाएगी। और आपके बजट की बात की कि 12 करोड़ रुपये बजट है, ये आपकी उपलब्धियाँ क्या कहेंगे? यहाँ जी रोकी मित्तल का मैं चीका शहर में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जिन्होंने आज सफाई अभियान चलाया, पार्षद शमशेर जी, सुरेंद्र जी व अन्य भी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाई मांगीराम जी, अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक अच्छा सफाई अभियान चलाया। और मित्तल जी ने यहाँ पर सफाई भी देखी, ये एक और सुधार के तहत हर ज़िले में हर ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, वहाँ हर सफाई के बारे में वैसे भी जो समस्याएं उनको सुनते हैं। इन्होंने देखा कि नगर पालिका की समस्याएं कम है, लेकिन सिवरेज और जन स्वास्थ्य विभाग के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत है। जन स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर नगर जन स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य नहीं करेगा तो नगर पालिका भी अपना कार्य आगे पूरा नहीं करेगा। मैं तो भाई साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जन स्वास्थ्य विभाग को के अधिकारियों से बात करके जहाँ यह समस्या पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है, गंदा पानी आता है, सीवरेज प्रॉपर शहर में बिछे नहीं हुए हैं, उनकी कोई पूरी सप्लाई नहीं हो रही, उसको। अर्थ प्रकाश के लिए गुलाचीका से राजपाल जिंदल की रिपोर्ट।